सो क्या हाल चाल है गाइस, वेलकम बैक टू मैंगो व्लॉग्स। और ये है मेरा एम्स्टर्डम का व्लॉग। और मेरे से गलती हो गई, एम्स्टर्डम के इंट्रोडक्शन वीडियो में से डिलीट हो गई, तो मैं ये अब एडिटिंग के टाइम के ऊपर नहीं मैंने बनाई है। तो मेक श्योर कि आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। सामने क्या है? छोके देख, क्या लग रहा, क्या है? वुडन शूज। यहाँ के हॉलैंड के काफी वुडन शूज फेमस है, हैंडमेड होते हैं ये। ट्राई करके देखे एक बार ये। एक और प्रगति, कैसे लग रहे हैं शूज पहन के? चल के दिखा, ये तो बंधे हैं। चल के दिखा, नहीं बंधे हैं। अच्छा बंधे हैं, कैसे लग रहा है? नॉर्मल, थोड़े से हैवी है, बस ज्यादा नहीं है, बट अच्छे हैं। बाकी तेरे साइज के वाले थे तो इसमें पूरी फिट आ जाएगी। तो गाइस ये है काफ़ी फेमस डच वुडन शूज, देख सकते हो आप, हैंडमेड होते हैं ये। बाकी मेरे साइज का तो नहीं है इधर, पर ये एक जरूर है मेरे साइज का, पहन के चल के दिखाता हूँ। और इनको आप खरीद सकते हो, पर ये थोड़ा एक्सपेंसिव है, 30-35 यूरो, मतलब 3-3.5 हज़ार रुपये के आसपास पड़ेंगे आपको। ट्रेन को रखते हैं और कहीं और चल के आपको दिखाता हूँ। देखा जाए तो वुडन का सब कुछ है इधर, इवन लाइक वुडन ट्यूलिप्स भी हैं, वुडन छोटे छोटे शूज, मतलब हर चीज़ इन्होंने वुडन की बना रखी है यार। ये सारा हैंडमेड होता है, और मतलब देखा जाए तो इस चीज़ के लिए हॉलैंड काफ़ी मशहूर भी है, वर्ल्ड फेमस है ये। पीछे है कैनाल, और देख सकते हो कितनी सारी बोट्स इसके अंदर जा रही हैं, और व्यू तो भाई क्या बात है, खतरनाक है, बहुत अच्छा है। रॉयल पैलेस, और यहाँ पे मैडम शाह का वैक्स म्यूजियम, और ये है इनका मेन स्क्वायर। तो देखो कितनी भीड़ भाड़ है भाई, एक तो टूरिस्ट प्लेसेस पे आके पता नहीं इतनी भीड़ भाड़ क्यों होती है, बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ है। अब एम्स्टर्डम आ गए और यहाँ इतनी भीड़ है, इतनी ज़्यादा जैसे प्राग में थी। मजे तो आ रहे हैं, पर चला सामने देख, तेरी मौत से मिलवाने चलता हूँ तेरे को। चल देखो खड़ी जा रही, कैसे लगे परिंदे? उड़ा के ना ले जाएं तुझे? क्या? उड़ा के ना ले जाएं? इतने हल्के होंगे तो उड़ा के ले जाया जा सके। So guys, ये है बॉडी वर्ल्ड्स, ये पूरा ह्यूमन एनाटॉमी के ऊपर बेस्ड म्यूजियम है, जिसके अंदर आप पूरा ह्यूमन एनाटॉमी के ऊपर स्पेसिमेंस वगैरह देख सकते हो। भाई देव कहाँ है हम? ये भैया हॉलैंड
के सबसे ज़्यादा रोस्ट करी हुई फ्राइज मिलती है यहाँ पर, फेमस है यहाँ का। भाई पर इतनी भीड़ क्यों है, ऐसा क्या फीम बेच रहे हैं? बेस तो नॉर्मल फ्राइज ही है, लेकिन ये है ना कि ये यहाँ की फेमस डिश है, उसके लिए लोग आ रहे हैं काफ़ी, हर जगह लोग ट्राई करते हैं। मैंने सुना काफ़ी बड़ा है इनका, मतलब ऐसे फ्राइज के साइज वगैरह है ना? हाँ थोड़ा डिफरेंट है, मतलब उसके साथ कुछ इनके होते हैं कि अलग अलग सॉस तुम चूज कर सकते हो, कुछ थोड़े अलग स्पाइसेस हैं, तो ये भी टेस्ट करेंगे पता चले कितना। चलो देखते हैं कौन से सोने के आलू बेच रहे हैं ये। प्राइस आ चुके हैं, साइज देखो इसका कितना जंबो साइज है, ये 750 रुपये जो पड़े हैं मेरे को, और कितनी सॉस लगा दी, साइज देखो फ्राइज का काफ़ी बड़े प्राइस हैं। अगर आप इधर आ रहे हो तो मैं चाहूँगा आप इनको जरूर ट्राई करो, थोड़े महंगे हैं पर काफ़ी अच्छे हैं, वर्थ हैं। गैस यहाँ की एक बात बताता हूँ, यहाँ पे काफ़ी चीज़ की दुकान है, और सबसे अच्छी बात चीज़ आप फ्री के अंदर सैंपल टेस्ट कर सकते हो कितना भी, तो वहाँ पे छोटे छोटे सैंपल्स रखे हो, आप चाहे पूरी कटोरी खा जाए तो थोड़ा बहुत खा कर देखो, कई सारे टाइप के टेस्ट कर सकते हो। चलो मैं आपको दिखाता हूँ अंदर जाके। कैसा लगा टेस्ट? तो चलो गाइस चीज़ हमने टेस्ट कर ली है, अब हम जाते हैं एक और शॉप के ऊपर। काफ़ी अलग अलग टाइप के अच्छे अच्छे फ्लेवर के चीज़ थे, अगर आप भी नीदरलैंड आओ एम्स्टरडम आओ तो ट्राई करना। पूरी जैपनीज वाइब आ गई यहाँ पे, किमोनो है, ये पूरा जैपनीज टाइप का रेस्टोरेंट मतलब शॉपिंग सेंटर है, जैपनीज स्टाइल की सब चीज़ें मिल जाएंगी, जैपनीज रेस्टोरेंट्स यहाँ पे कैसे खाते हैं, चाइना बाउल और हमारी प्यारी किमोनो। चलो देखते हैं पूछते हैं इनसे ट्राई कर सकते हैं क्या हम। किमोनो जैपनीज ड्रेस, ज़्यादा कुछ अच्छी लगी नहीं पर देख लो ऐसी ही होती है, शायद थोड़ा बाहर से मानते होंगे इस वजह से अच्छी लगती होगी पर ये ऐसी ही है। ये देखो चलो वापस टांग देते हैं गाइस, बहुत हो गया वरना अब तो ये पीछे पड़ जाएंगे हमारे की मारेंगे क्या हमारे कपड़े खराब कर रहे हो। सो गाइस डच के जापान के साथ काफ़ी ज़्यादा पुराने रिश्ते हैं, तो आपको एम्स्टरडम आओगे तो हर जगह जैपनीज लोग देखने को मिल जाएंगे। सो गाइस ये है एम्स्टरडम का रेड लाइट डिस्ट्रिक्ट जो कि बहुत फेमस है यहाँ के ब्रोथल्स म्यूजियम सेक्स शॉप्स के लिए, और ये जितनी बिल्डिंग्स आप देख रहे हो ये ऐसे रात को शाम को 8 बजे से लेकर रात के 12 बजे तक ऐसे ब्रोथल्स की तरह काम करते हैं, बट अब ये धीरे धीरे कम होता जा रहा है। जब 2007 के अंदर यहाँ पे प्रोजेक्ट 1012 स्टार्ट किया गया था जिसके बाद से इनकी संख्या मेजर ड्रॉप आया उसके अंदर, बट फिर भी अभी थोड़ा सा एक ये ही एक हिस्सा थोड़ा बचा है जहाँ पर अभी भी चलता है, और आने वाले समय में शायद ये भी आपको देखने को ना मिले। और यहाँ पे काफ़ी फेमस शॉप्स हैं जिनको हम कॉफ़ी शॉप्स भी कहते हैं, तो आप जैसा देख सकते हैं यहाँ पे काफ़ी सारी कॉफ़ी शॉप्स हैं, और यहाँ पे सबसे पुराने वाली कॉफ़ी शॉप जो जिसका नाम है बुलडॉग कॉफ़ी शॉप, तो अगर आप आए इधर तो ज़रूर विज़िट कीजिएगा। और ये रही वहाँ की एक क्लिप, छोटी सी, ज़्यादा वीडियो में बना नहीं सकता था क्योंकि वहाँ पर अलाउड नहीं था। सो थैंक्स गाइज फॉर वॉचिंग माई व्लॉग, आई होप कि आपको ये पसंद आया होगा।
और इसका नेक्स्ट पार्ट अभी आने वाला है, जिस दो दिन बाद मैं डाल दूंगा उसकी भी रेटिंग चालू है। और साथ के साथ आप मेक श्योर करिए कि आप सब्सक्राइब करें, आपने सब्सक्राइब किया ही नहीं है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा मेरे चैनल को और एक कमेंट जरूर छोड़िएगा। बाय।